ओ प्रेमी की गति क्या होती है ये राधा के दिल से पूछा। लेकिन कभी ने लिखा क्या लिखा सच ही लिखा ए प्रेम बुरी जंजीर बीर तुम झूठ मत जानो जब नहीं जाती कद से सबरी बीमारी ना जानो रे हमेशा दिल पे दिल धड़के बुद्धि करे ना काम कले जो किसी भी तरह से चैन ही नहीं पड़ा। साड़ी को उतार के फेंक दिया, डमरू हाथ में उठा लिया, सबके बीच में कूद पड़े और नाचने में लग गए। जब इनकी पहचान हो जाती है तब इनका नाम गोपेश्वर रखा। महाराज का कार्य जब संपन्न हुआ, भोले बाबा पार्वती को साथ में लेकर के ये घर पर चले आए। गोपियां अपने अपने घर पर चली गई। कन्हैया इधर अपनी बाल लीलाओं में लगे हैं, उधर कंस को चैन नहीं है। कंस सोच रहा है अब क्या करें, दोनों का कैसे बध हो। एक बार कंस के पास में बाबा नारद का फिर से जाना हुआ।
और जैसे ही कंस ने देखा तो बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिए। सुंदर से आसन पर बिठाया। ऐसे नारद कहते हैं अब क्या बात है, अब तो दोनों मारे गए होंगे। पार्वती तो बड़े आराम से मारा देख रही, भोले बाबा घूंघट मारे हैं, अब आए मारा देख रही, सो देखना पा रहे। अब आप लोग सोच रहे हो घूंघट मारे तो कौन सी बड़ी बात थी, महाराज तो देख ही रहते हैं। करे आजकल जैसी दया है भगवान की, पहले ऐसी ना थी जैसी आज हो। हाँ अब तो चाहे कितनों लंबो घूंघट मार ले, दूर से डेला सी आंखें दिखाती रहती। भोले बाबा दाढ़ी से बड़े परेशान, सोच रहे अगर हमारे दाढ़ी ना होती तो महाराज जरूर देखते। लेकिन एक नजर श्याम सुंदर के ऊपर पड़ी गई। सबके बीच में जब नाचता हुआ देखा तो मन ही मन में एक बात सोची, हमें तो ऐसा लग रहा है, ऐसा सोचा कि जा करिया करिया ₹200 हमारे पास में और एक मुकुट और तस्वीर जो भेंट कर रहे हैं कलश वाली कन्याओं को, एक गिफ्ट परीक्षा जी को सॉल से जो सम्मान कर रहे हैं शोभा यादव जो बेवर के रहने वाले हैं। एक मुकुट और ₹500 हमारे पास में, एक एक पीतांबर कलश वाली कन्या।